नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNDTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा सवाल, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर वहां पर 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है, इसको लेकर के लगातार मोदी सरकार निशाने पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ ही बघेल ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं। बघेल ने पूछा है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर 300 किलो आरडीएक्स आखिर कैसे पहुंचा। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा, सवाल तो है साहब, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहां पर आखिर 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, कौन था इस साजिश के पीछे, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कोटि-कोटि नमन, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक सामने निकल के नहीं आई है। और देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को घेरा है इस पूरे मामले में। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रिंकू शर्मा हत्याकांड, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, हिंदू बच्चों की हत्या के लिए अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, इस्तीफा दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के शख्स की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजियां लगातार जारी हैं। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा राज में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदू बच्चों की हत्याओं के लिए अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि एक गंभीर आरोप देश की गृह मंत्री पर लगा रहा हूं, इन हत्याओं के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। अमित शाह का फायदा क्या है नहीं पता, लेकिन हिंदू बच्चों की हत्याएं ना करवाएं ताकि अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। उन्होंने कहा है कि ये घटिया कल्चर भाजपा की ही देन है कि जात बतानी पड़ती है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये बेहद ही शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे पढ़े लिखे इलाके का जनप्रतिनिधि होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम सिख ब्राह्मण जैसी बातें करनी पड़ रही हैं। ये घटिया कल्चर भाजपा की ही देन है जहां लोगों की धर्म और जाति बतानी पड़ती है। इन लोगों ने यहां पर धर्म और जाति में लोगों को बांट दिया है, ये यहां पर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, और कहा है कि हिंदू बच्चों की हत्या के लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको इस्तीफा तत्काल देना चाहिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब चुनाव से बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, 8 नगर निगमों और 109 नगर परिषदों पंचायतों के लिए मतदान लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, पंजाब में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, मतदान के लिए 19,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो वहीं इस बार के चुनाव में कृषि कानूनों को लेकर के आक्रोश का सामना कर रही भाजपा अकेले ही मैदान में है, पार्टी 2 दशकों में पहली बार अकालियों के बिना चुनाव लड़ रही है। एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर के अपने विचार के चलते भाजपा से नाता तोड़ लिया, और लगातार देख सकते हैं कि भाजपा को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसी खबरें भी निकल के आ रही थी अभी तक। और आज यहाँ पर मतदान भी लगातार जारी है, और यहां पर लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का इस चुनाव में सूपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि लगातार किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी नेताओं को, ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के आरोपों के बीच में पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई बोले, जजों को धमका रही है मीडिया। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सांसद और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई संस्थान चाहते हैं कि जज उनके हिसाब से काम करें, ऐसा नहीं करने पर वो उनके खिलाफ खबर लिखने की धमकी देते हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये किस तरह के हमले हैं, क्या कोई मौजूदा या पूर्व जज इन धमकियों से डर जाएगा, अगर किसी जज को डर लगेगा तो क्या वो काम कर पाएंगे। जज को डराया जाता है कि देखो तुम वो करो जो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं करने पर रिटायरमेंट के बाद तुम पर मीडिया में हमला किया जाएगा। देख सकते हैं बड़ा खुलासा किया है रंजन गोगोई ने, और यहां पर कहा है कि जजों को लगातार डराया धमकाया जाता है कि उनके पक्ष में फैसले दिए जाएं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं,
अमित शाह के बयान पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का पलटवार, कहा केरल में कभी भी नहीं लागू होगा सीएए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर के लगातार रार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान के पूरा होने के बाद देश में सीएए लागू करने की बात कही है, तो वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में सीएए लागू करने से साफ मना कर दिया है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने आगे कहा कि केरल सरकार राज्य में इस तरह के तनाव का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम अपने रूप में दृढ़ हैं कि हम राज्य में सीएए को लागू नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। केरल की सरकार केंद्र के इस फैसले का समर्थन नहीं करती है। हम केरल में सीएए लागू नहीं करेंगे। हम इस फैसले के साथ ना खड़े हैं और ना ही इसे राज्य में लागू करेंगे। हम मजबूती से इस पक्ष के साथ खड़े हैं कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साफ कर चुकी हैं और दो टूक केंद्र सरकार को जवाब दे चुकी हैं कि वो भी अपने राज्य में यहां पर सीएए लागू नहीं करेंगी किसी भी कीमत पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बोले टीएमसी जीतेगी 250 से भी अधिक सीटें, बीजेपी के लिए दोहरा आंकड़ा पार करना भी मुश्किल। आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी 250 से भी अधिक सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा के लिए दोहरे अंक का आंकड़ा भी पार करना बहुत मुश्किल होगा। बनर्जी ने 200 से अधिक सीटें जीत करके राज्य की सत्ता में आने के भाजपा के दावे के जवाब में यह बात कही है। अप्रैल मई में बंगाल के 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। राजनीति काफी गर्म है बंगाल की। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है दोस्तों। भोपाल में 100 रुपए लीटर पहुंच गया पेट्रोल, कीमत नहीं दिखा पा रही है मशीन। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमत लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और हालात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। महंगा पेट्रोल आम आदमी की कमर तोड़ ही रहा है। तेल डालने वाली मशीनें भी इस रीडिंग को लेने में फेल हो गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मशीनें पुरानी हैं और इनमें 2 अंकों को ही दिखाने की व्यवस्था की गई है। ये मशीनें 3 अंकों को नहीं दिखा पा रही हैं और लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के तत्कालीन यूपीए सरकार पर बरसने वाली बीजेपी के राज में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इसको लेकर के सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सीधा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अगर भोपाल जैसे ही हालात दूसरे शहरों में भी बने तो आखिर क्या होगा। लोगों को तो पेट्रोल और डीजल डलवाना ही पड़ेगा, चाहे वहां कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए। लेकिन जब मशीनें 3 डिजिट नहीं दिखा पाएंगी और पेट्रोल पंप से उन्हें तेल नहीं मिलेगा, तो ऐसे में लोगों पर डबल मार पड़ना लगभग तय है। देख सकते हैं दोस्तों, देश में लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सरकार कुछ भी बोलने को इस पे तैयार नहीं है और पेट्रोल डीजल की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। 100 रुपए पार कर चुका है भोपाल में पेट्रोल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शिवसेना का राज्यपाल कोश्यारी पर जोरदार हमला, निजी यात्रा के लिए नहीं है सरकारी विमान, गवर्नर को वापस बुलाए केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में अब जंग काफी तेज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कोश्यारी पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि राजभवन में नियम कानूनों की ऐसी अवहेलना होना काला कृत्य है। गृह मंत्रालय को भारतीय संविधान नियम कानून आदि से नफरत होगी, तो ऐसे राज्यपाल का पूरा वस्त्र हरण होने से पहले गृह मंत्रालय को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने आगे कहा है कि राज्यपाल के कंधे पर रख करके केंद्र की मोदी सरकार आघाड़ी सरकार पर निशाना नहीं साध सकती है। सरकार मजबूत है और आगे भी रहेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, जोरदार हमला बोला है शिवसेना ने। तो वहीं सामना ने लिखा है कि राज्यपाल का दौरा निजी था, इसलिए नियम के अनुसार सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनको सरकारी विमान नहीं दिया गया। यहां तक कि अगर राज्यपाल ही क्या, मुख्यमंत्री को भी निजी इस्तेमाल के लिए सरकारी विमान की अनुमति की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियम का ही पालन किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सीधे तौर पर शिवसेना ने कोश्यारी को यहाँ पर लिया है निशाने पर। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
उमर और फारूक अब्दुल्ला हुए नजरबंद, महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की इजाजत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में उनके घर में बंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये बात कही है। तो वहीं पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। कई नेता यहां पर कर दिए गए हैं नजरबंद जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से पूछा, पैंगोंग लेक से हम तो पीछे हटे, डेपसोंग में चीन के पीछे हटने का आखिर क्या हुआ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन से निपटने के तरीके को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। स्वामी ने लद्दाख में भारतीय सेना के पीछे हटने को लेकर के भी सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2020 में कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, चीन को यह बहुत पसंद आया लेकिन यह सच नहीं था। स्वामी ने आगे कहा कि जनरल नरवणे ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे LAC पार कर पैंगोंग लेक को अपने नियंत्रण में लें ताकि चीनी चौकियों पर नजर रखी जा सके। अब हम वहां से पीछे हट रहे हैं लेकिन डेपसोंग से चीन के पीछे हटने का क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, चीन बहुत खुश है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार पर हमला बोला है बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने और मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, चीन के सामने खड़े नहीं होंगे लेकिन किसानों को धमकाते हैं पीएम मोदी। ये यहां पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को बताते चलें, चीन के साथ सीमा विवाद के संदर्भ में केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी नीत सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के सामने खड़े नहीं होने वाले, मोदी किसानों को धमकी देते हैं, उनके लिए दीवारें खड़ी करते हैं। तो वहीं केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों के जरिए अपने दोस्तों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं लेकिन मोदी सरकार को इसमें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, कृषि कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान भी राहुल गांधी ने कर दिया है और मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर राहुल गांधी ने वीर सैनिकों को दी है श्रद्धांजलि, बोले देश आपका रेडी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की बरसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन, देश आपका रेडी है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, टीएमसी सांसद ने लगाया जासूसी का आरोप, कहा घर के बाहर BSF तैनात है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के राजनीति अपने उफान पर है। सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में टीएमसी की सांसद ने एक यहां पर बड़ा दावा किया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि उनके घर के बाहर BSF की तैनाती कर उनकी जासूसी करवाई जा रही है सरकार की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UN VDV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।